हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता ब्लॉग। जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज मैं सारे गमलों में फूल का पौधा लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं पुराने गमले की पुरानी मिट्टी को निकाल देंगे, उसके बाद उसके नए मिट्टी और गोबर के खाद के साथ मिक्स करके फिर सारे गमले में भरेंगे। तो देखिए, ये मैं और एक भैया हैं, उनके साथ मिक्स कर रही हूँ, दोनों मिलके। भैया हेल्प कर रहे हैं मेरे साथ। तो ये गमले में भर रहे हैं दोनों, मिट्टी और गोबर के खाद को अच्छे से मिक्स करके फिर भर रहे हैं। ये देखिए, हमारे पीछे का जगह जहाँ पे हमने सब्जी लगाया, वहाँ पे गोबर का खाद था एक्स्ट्रा, तो वहाँ से गोबर के खाद को भर रहे हैं। ये देखिए, कितने सारे बंदर आए हुए हैं। इसके चक्कर से हम सारे गमले यहाँ से लेके घर के आंगन में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो ये सारे बंदर इसको तोड़ फोड़ के एकदम ख़राब कर देते। तो चलिए, देखिए मैं आ गई मेरे घर के आंगन में। तो अब जितने भी फूल के वो पौधे लाए थे वो इकट्ठा करूँगी, और सारे गमले को इकट्ठा करूँगी। इकट्ठा करने के बाद एक एक करके लगाऊँगी। तो देखिए, मैं लाइन से सारे फूल के पौधे को एक जगह कर रही हूँ, जहाँ पे बैठ के मुझे लगाना है। ये देखिए, मैं आपको हर फूल दिखा रही हूँ जो जो मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए, हमने लगाना स्टार्ट किया गमले में। पहले हाथ से गमले के अंदर थोड़ा खाद भी डाला है हमने। मैं फास्ट फास्ट दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा गमला है और मैंने बहुत सारे गमलों में ये फूल का पौधा लगाया है। तो देखिए, ये देखिए, मैंने वो खाद का दो तीन दाना दिया है। गाइज, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस देखिए, ये हम सारे गमले लगा रहे हैं, भैया और मैं मिलके लगा रहे हैं। देखिए, हमने प्लास्टिक का जो पन्नी था फूल में, उसमें उसको मैंने सारा काट काट के ब्लेड से काटा है, प्लास्टिक के पन्नी को हटाया, फिर गमले के अंदर वो थोड़ा सा खाद डाला, दो तीन चार दाना। ये देखिए, अब मैं वो ब्लेड से प्लास्टिक के पन्नी को काट रही हूँ, उसके बाद उसको निकालने के बाद ही गमले में लगाऊँगी। प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखना। ऐसे कर कर के मैं जितने भी गमले और जितने भी मेरे पास फूल के पौधे हैं सबको लगाऊंगी। और मेरी सासू माँ ने भी ऊपर भी बहुत सारे फूल के पौधे लगाए, उसको मैं और एक दिन दिखाऊंगी आपको, गमले में ही लगाया। ये गमला थोड़ा अगले साल का है, थोड़ा थोड़ा पुराना भी हो गया है। इसको हम कुछ दिन बाद कलर भी करेंगे, थोड़ा फूल का पौधा लग जाए, अच्छे से दब जाए, उसके बाद इसमें कलर भी करेंगे, धो के इसको कलर करेंगे, ताकि गमला पूरा नया हो जाए। वो भी मैं आपको वो वाला वीडियो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये देखिए, ब्लेड से मैंने काटा है, काटने के बाद काला पन्नी हटा दिया है, फिर मैंने पौधा लगा दिया। तो गाइज, मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा फूल का पौधा सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा है। तो देखिए गाइस, मेरा लगभग सारे फूल का पौधा लग चुका है, एक ही दो बचा है, इसको भी अब लगाऊंगी।
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गाइस देखिए ये एकदम धूप आ रही है इसलिए मोबाइल पे ही जाके धूप आ रही है मोबाइल के ऊपर, तब जाके मेरा फेस एकदम फ्रंट में नहीं आ रहा है। ये देखिए मैंने सारा फूल का पौधा लगा लिया और मेरे हस्बैंड ने ढक से रख भी दिया है। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कौन सा फूल का पौधा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। ये देखिए हमने लगा लिया है, रख दिया है, इसमें पानी भी डाला है। इसमें जब फूल आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा लगता है फूल आने के बाद। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं आपके साथ और भी अच्छा अच्छा वीडियो शेयर कर सकूं। मेरे वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।